हरी बोल, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। मित्रों, आप सबका दोस्त, आप सबका सखा, दासों का दास दीपक अग्रवाल एक बार फिर हाजिर है। दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को भैया दूज वाले दिन। आप सबको भैया दूज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी सदा आप पे, आपके परिवार पे कृपा बनाए रखिए। आप सभी बहन भाइयों का प्यार आपस में हमेशा प्रेम की डोरी से बंधा रहे। सदा राधा रानी कृपा आप सब पे बनी रहे। आज काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, करीब 2 महीने बाद। थोड़े परिवार में व्यस्तता के कारण टाइम नहीं दे पा रहा था, बल्कि भाव रोज आते हैं, रोज लिखता हूँ, रोज लिखता नहीं, रोज गोविंद लिखवाता है। यही तो मेरी बंसी वाली कृपा है, वो कभी भी मुझे अपने भाव से अलग नहीं करता। रोज प्रतिरोज हर पल मुझे नए नए भाव मन में देता रहता, लिखवाता रहता, और उन्हीं भावों को ये दास मेरे द्वारा प्रभु इन्हीं भावों को एक भजन के रूप में बनवाते हैं और आप सबके समक्ष रख देते हैं। आज काफ़ी लंबे अरसे बाद में आपके पास, करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए। जैसा कि आपको पता ही है, थोड़ा घर में थोड़ी सी परेशानी थी, दुख बीमारी चल रही थी, जिस कारण मैं टाइम नहीं दे पाया और लाइव भी नहीं आया 2 महीने से ज़्यादा। तो आप बेफिक्र रहिए, आज से दासों का दास दीपक अग्रवाल हमेशा हर हफ्ते की तरह फिर लाइव आना चालू होगा। अपनी आईडी दीपक अग्रवाल पे, अपने पेज वृंदावन में राधे राधे पर लाइव आता रहेगा और ऐसे अपने भजन के वीडियो बनाता रहेगा जो राधा गोविंद दे रहे हैं। बड़ी कृपा है मेरी लाडले की, मेरे लाडो की, जो हमेशा नए भाव से मुझे नवाजती है। तो आइए, मैं आपको आज अपने साथ ब्रज में लेके चलता हूँ, जहाँ मेरे गोविंद मिलेंगे, जहाँ मेरे गिरधारी मिलेंगे। तो बिगर समय गवाए सबसे पहले भजन का भाव लेते, क्या आओ ब्रज में मेरे साथ, वहाँ गिरधारी मिलेंगे। आओ ब्रज में मेरे साथ, वहाँ गिरधारी मिलेंगे। ब्रज की रज से लिपटे हुए बनवारी मिलेंगे। ब्रज की रज से लिपटे हुए बनवारी मिलेंगे। आओ ब्रज में मेरे साथ, वहाँ गिरधारी मिलेंगे। आओ ब्रज में मेरे साथ, वहाँ गिरधारी मिलेंगे। हरि बोल। जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे, जय जय श्री राधे। घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है, घर घर श्री कृष्ण, मेरे गोविंद मेरे राम को पहचाना है, जय जय श्री राधे। आज इतने दिनों बाद मैं बहुत उत्साहित हूँ आप सबके समक्ष आते, आप सबका बहुत प्यार मिलता है, आपके कमेंट्स मुझे
खुद प्रेरणा देते हैं प्रभु की ओर बढ़ने के लिए। आप मुझे कहते हो कि मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, प्रभु की ओर उत्साहित करता हूँ, बढ़ने के लिए प्रेरणा देता हूँ, बल्कि सच ये है कि मैं आपसे प्रेरणा पाता हूँ। आप सबके कमेंट्स, आप सबके प्यार मुझे और भक्ति की मार्ग पर मजबूत करते हैं। अनंत जन्मों का पापी हूँ, अनंत जन्मों का भटका हुआ, मैं अपने बारे में बोलता हूँ, अनंत जन्मों का पापी, अनंत जन्म का भटका हुआ हूँ, गंदे गटर में रहा हूँ, वासना की गलियों में रहा हूँ। ये तो राधा रानी की बड़ी कृपा हुई इस दास पे, जो ये मानव देह दी और फिर अपना राधा नाम दिया, राधा गोविंद प्रेम रस दिया। जो रस मेरे द्वारा आप तक पहुँचता है, ये मेरे द्वारा है, सिर्फ मेरे द्वारा पहुँचता है, ये मेरा नहीं है, मेरे राधा गोविंद लाडली का, ऊंची अटारी वाली का, मेरे बंसी वाले मोर मुकुट वाले का दिया हुआ है। तो ये मोटिवेशन मैं नहीं करता, मेरे द्वारा प्रभु आपको कहते हैं बढ़ो। अरे हो गए पाप, हो गई गलतियां, रोज हम गिरते हैं खाई में, रोज हम गिरते हैं पाप की गलियों, फिर बढ़ो, फिर बढ़ो, फिर बढ़ो। साइकिल चलाना सीखते हैं ना, दो पैंडल मारते हैं फिर गिरते हैं, चार पैंडल मारते हैं फिर गिरते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि पैंडल मारते 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 गिरते 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 साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर हम एक दिन स्कूटी बाइक भी दौड़ाते हैं। यही भक्ति मार्ग का, हम गिरेंगे भक्ति मार्ग पे आएंगे तो हम बहुत ज्यादा गिरेंगे, माया हमें गिराएगी, लेकिन घबराओ मत, ना अपनी आलोचना से घबराओ, ना तो अपनी बुराई करने वालों से घबराओ। दुनिया का काम है गलत को गलत बोलना और अच्छे इंसान को सबसे पहले गलत बोलना। दुनिया अच्छाई नहीं देखती, आपकी बुराई पहले देखी, क्योंकि नेगेटिव सोच के ही लोग हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो भी वासना की गलियों में है, तो पहले हमारा नजरिया नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। इसलिए कोई तुम्हारी आलोचना करे तो घबराओ मत, भक्ति मार्ग पे भटको मत, तुम अपनी तरफ बढ़ते रहो, क्योंकि ये माया खेल खेलती है, उनकी वाणी द्वारा तुम्हें भक्ति मार्ग पर रोकने की कोशिश करती है, तुम्हें घबराना नहीं है। मेरे साथ बहुत होता है, मेरे अपने आलोचना करते हैं, जो मेरे साथ रहे आलोचना करते हैं, आप में से कुछ भी ऐसी हैं जो करती है आलोचना, मैं कभी घबराता नहीं हूं। मैं संतों की वाणी बताता हूं, संत गुरुदेव भगवान सब कहते हैं क्या, भक्ति मार्ग पे निर्मल होना सीखो, कोमल होना सीखो। निर्मल कोमल, निर्मल मतलब जिसमें कोई मल ही ना हो, कोमल जिसके अंदर प्यार ही प्यार, सुंदरता, सरल साधारण। कभी किसी संत को देखा है, वो किसी को आप गलत बोलते तो संत कभी जवाब नहीं देते, क्यों, क्योंकि उनका रक्षक गोविंद बैठा बाकी बिहारी, वो अपने आप उनको सही करता है। प्रभु कहते हैं जो मेरी भक्ति मार्ग पे बढ़ रहा है, चाहे कितना बड़ा पापी हो, फिर वो मेरा है। जैसे कोर्ट में आप सरेंडर करते हो, जज कहता है अब तुम कानून के अधीन हो, फिर आप जेल में, आपको सजा होती है, आपको दुख तकलीफ होती है, तो जेलर आपकी दवाई दारू करता है, सारा इंतजाम करता है। वैसे ही हम भक्ति मार्ग पे चलते, चाहे कितने बड़े पापी हो, लेकिन एक दिन प्रभु हमें सवार देते हैं, निखार देते हैं, और जो हमारी आलोचना करते हैं प्रभु उसको भी दंडित कर देते हैं, क्योंकि प्रभु को कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं कि उसके भक्तों का कोई अपमान करे। और हम तो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, तब भी हम पे बड़ी कृपा है गोविंद की, कृपा नहीं तो और क्या, जो मैं आपको इतने सुंदर भाव सुनाता हूँ, ये कृपा नहीं तो और क्या, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ और आप मुझे इतना प्यारा रिप्लाई देते हो, गुरु जी, प्रभु जी, सखा जी, आपसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, आपसे हमें राधा गोविंद की भक्ति मिल रही है, आपसे लड्डू गोपाल की सेवा करने लग गए आपकी कृपा से, आपकी कृपा से आप बोलते हो। मैं कहता नहीं, मेरी नहीं, ये मेरे गोविंद की कृपा से, हम एकादशी का उपवास रखने लग गए। रखो रखो, गलतियां होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन जब तक हम प्रभु की शरण में नहीं जाएंगे, और जब प्रभु की शरण में जाएंगे गलतियों का नाश होना शुरू हो जाएगा, पाप धीरे धीरे हल्के होने शुरू हो जाएंगे, और एक दिन प्रभु हमारे गोविंद हमें नारायण बिल्कुल शुद्ध करके अपने पास सदा सदा के लिए अपने गोलोक धाम में रख लेंगे। बोलो वृंदावन बरसाना धाम की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे। और भाग एक बात याद रखना, भक्ति मार्ग पे कोई हमारी आलोचना करता है, हम अपने आप को पापी मान के चलो, हैं हम पापी हैं, हुए हैं, ये सच्चाई मानो, लेकिन हमारी कोई आलोचना करता तुम जवाब मत दो। जो हमारी आलोचना करता है हमारे पीठ पीछे या कहीं भी, वो एक्चुअली धोबी का काम करता है, धोबी भाई को काम किया है, वो बेचारे कपड़े धोते हैं और सारा गंद साफ करते हैं। और यहां आलोचना में क्या होता है, जो हमारी आलोचना कर रहे हैं वो हमारे पाप अपने पल्ले बांध रहे हैं, ये मैं नहीं संत गुरुदेव भगवान बोलते। आप अपने आप में भी घर परिवार में अगर किसी की बुराई कर रहे हो, पीठ पीछे आलोचना कर रहे हो, किसी एक बहन बेटियों की बदनामी कर रहे हो, तो उसके पाप सारे तुम्हारे पल्ले पड़ रहे हैं। और भक्ति मार्ग में मुझ जैसे निकम्मे भक्त, भक्तों नहीं हूं मैं, भक्ति की राह पे चल रहा हूं, एक अदनान सा पापी जो प्रभु की ओर बढ़ रहा है, अगर मेरी भी कोई करता है तो समझ लो मेरे बहुत पाप कट रहे हैं, उसके पल्ले पड़ रहे हैं। घर में राधा गोविंद की मूर्त रख के, लड्डू गोपाल की सेवा करके, अगर आप किसी से बदले की भावना रखते हो, किसी का बुरा करना सोचते हो, तो आपकी सारी सेवा जीरो हो जाती है। खासतौर पर ब्रज में जाके तो किसी की बुराई करना मत, ब्रज में जाके ऐसा कोई पाप मत करना कि पुण्य कमारे जा रहे हो पाप पल्ले आ गए, क्योंकि धार्मिक स्थल पर जाके आप किसी की आलोचना करोगे, किसी की बुराई करोगे, किसी नफरत की बातें करोगी, तो याद रहे नफरत पहले इंसान को खुद जलाती है, नफरत पहले इंसान को खुद जलाती है, फिर सामने वाले का क्या होगा क्या नहीं होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन पहले तुम खुद उस नफरत की आग में जल जाओगे, क्योंकि जो तुम बुराई आलोचना कर रहे हो पहले तुम अपने आप को नेगेटिव एनवायरमेंट में डेवलप कर रहे हो, क्योंकि आप नफरत बुराई ये नकारात्मक सोच पहले तुम्हें खत्म कर रही है,
सामने वाले को तो बाद में करे ना करे उसको भगवान जाने, उसका रक्षक गोविंद है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले खत्म करिए। सो थिंक पॉजिटिव रखो, सदा राधा गोविंद की भक्ति करो, वरना लड्डू गोपाल की सेवा करना, राधा गोविंद की राधे राधे करना, लक्ष्मी नारायण का नाम जपना, सीताराम की माला करना, सब व्यर्थ है अगर मन में कपट है, मन में छल है, मन में नफरत है। भक्ति मार्ग सरल होना सिखाती है, मोहब्बतें करना सिखाती है, इंसानों के इंसान से प्रेम करो, समझे, जात पात ऊंच नीच धर्म का भेद सारा खत्म करती है, सिर्फ प्रेम करो, प्रेम करो। गोविंद हमें कहता है सिर्फ मुझे प्रेम से पाओ, इसलिए दुनिया में प्रेम दो, प्रेम दो। जो तुम्हारा अच्छा करे ना उसका भी अच्छा करो, जो बुरा करे उसका सबसे पहले अच्छा करो, ताकि उसे समझ आए कि हम क्या हैं, हमारे अंदर गोविंद ने हमें क्या दिया है, हमारे अंदर से नफरत मिटाई प्यार दिया, हम प्यार बांटेंगे, जिसका जैसा काम प्यार बांटो। इसलिए कभी किसी की आलोचना मत करो, मेरी इतनी होती है परवाह नहीं करता, और अब तो मैं आनंद रस में डूबा रहता हूं। जय जय श्री राधे, राधा गोविंद की मस्ती में रहते हैं, सदा राधे राधे कहते हैं, और बहुत जल्दी ये दास फिर वृंदावन आएगा, और बहुत जल्दी मिलेंगे, और फिर इसी तरह से सुचारू रूप से हरि कीर्तन सत्संग होगा। और आपके बहुत सवाल मेरे व्हाट्सएप पे हैं, फिर मैं व्हाट्सएप से आपसे जुड़ूंगा, और व्हाट्सएप पे आप में से जो भी मुझसे मेरे व्हाट्सएप वृंदावन परिवार से जुड़ना चाहता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राधे राधे कर दो। जो भी माता बहन भाई जुड़ना चाहता है, हरिभक्त जुड़ना चाहता है, मैं उनकी पूरी डिटेल लेता हूँ, वॉइस मैसेज में बात कर रहा हूँ, तसल्ली होने पर ऐड करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 9212382938, 9212382938। मुझसे अगर प्रभु संबंधी धर्म संबंधी कोई बात करनी हो तो ही आप मुझसे कॉल करिए, अदरवाइज व्यर्थ की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और ना ही मेरे पास इतनी एनर्जी है कि व्यर्थ की वो बातें जो इंसान को भक्ति मार्ग से भटकाए मैं उसको सोचूं, क्योंकि प्रभु मुझे उस मार्ग से निकाल के अपनी ओर बढ़े, अब मैं भटकना नहीं चाहता। तो आपसे स्नेह निवेदन है, मुझे वही मुझसे संपर्क करें जो भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हैं, और मैं भी उससे जुड़ के आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे भी आप लोगों से प्रेरणा मिलती है, आप लोगों का प्यार मुझे आगे बढ़ाता है, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे लिए राधा गोविंद का आशीर्वाद ही है, जो आप लोगों के प्यार के रूप में मिलता है। तो इसलिए वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या आओ ब्रज में मेरे साथ वहां गिरधारी मिलेंगे, ब्रज की रज से लिपटे हुए बनवारी मिलेंगे, ब्रज की रज से लिपटे हुए बनवारी मिलेंगे, आओ ब्रज में मेरे साथ वहां गिरधारी मिलेंगे। यही सच्चाई है। तो चलो मेरे साथ ब्रज में रमो, मेरे साथ ब्रज में हो जाओ गोविंद के, हो जाएगा गोविंद तुम्हारा। जय जय श्री राधे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग तक भाव पहुंचना चाहिए। सदा खुश रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधा गोविंद की माला जपते रहिए, राधा गोविंद की माला में खुद को रमाते रहिए। जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रजवास करा दे, सदा खुश रहिए। आप सबका दोस्त, आप सबका मित्र, दासों का दास दीपक अग्रवाल, श्री राधे, खुश रहिए।